अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जो GTS प्रोग्राम यानी कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम प्रोग्राम शुरू किया गया है, उसकी क्या डिटेल है, किस तरह अप्लाई करना है, ऑनलाइन आपको किस तरह आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कंपनी के ट्रैक्टर्स उसमें अवेलेबल होंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना है। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि फी ट्रैक्टर आपको 10 लाख रुपए की सब्सिडी मिलने वाली है। तो मुल्की तारीख का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें 9500 ट्रैक्टर्स जो है वो कुरंदाजी के ज़रिए किसानों को दिए जाएंगे। और इस एप्लीकेशन को जो है अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2024 है। आपने करना है कि अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से आपने ये QR कोड स्कैन करना है। अगर आप QR कोड स्कैन नहीं हो रहा तो आपने agripunjab.gov.pk पे चले जाना है, या उसके अलावा GTS की साइट पे आ जाना है। अगर आप ये सारा काम भी नहीं कर सकते तो आप अपने डिप्टी डायरेक्टर जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को ले सकते हैं। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपके पास 1 से 50 एकड़ ज़रूरी ज़मीन हो और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आपको 50 से 85 जो हार्स पावर का ट्रैक्टर है वो मिल जाएगा। तो ये आपके पास तरीकाकार है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपने आ जाना है गूगल पे, यहाँ पे आपने लिखना है gts.punjab.gov.pk। अब एप्लीकेशन फॉर्म में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना CNSE नंबर लिखना है, देन आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद आपने ब्रांड सेलेक्ट करना है कि आपको किस कंपनी का ट्रैक्टर चाहिए। लेट्स सपोज आपको मिलत चाहिए तो आप मिलत सेलेक्ट कर लेंगे, अलगाज़ी चाहिए तो आप अलगाज़ी सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे मिलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हमने मॉडल देखना है कि हमें कौन सा मॉडल जो है वो सेलेक्ट करना है, हमें कौन सा मॉडल चाहिए। तो यहाँ पे जो है अमूमन जो 375 जो है फोर व्हील ड्राइव ही सेलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे हम 375 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसकी ऑटोमेटिक हॉर्स पावर आ गई है, हम एग्री पे क्लिक करते हैं। तो आई एम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हम इसको सबमिट कर देते हैं। अब होगा क्या कि आपके इस आईडी कार्ड के करस्पॉन्डिंग आपके जो नंबर है इसमें बता रहा है 2345, आपके नंबर में मिस्टेक थी। तो जैसे आप इसको नंबर करेक्ट करते हैं आपके सबमिट की ऑप्शन आ जाएगी। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ चुका है कि आपकी दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है, आपकी मालूमात की तस्दीक की जा रही है, बराए मेहरबानी कुछ वक्त इंतज़ार करें, जल्द ही आपसे रब्ता किया जाएगा, शुक्रिया। तो ये आपके पास जो है एक सिंपल सा प्रोसीजर था जिसकी मदद से आप किसी भी बंदे का जो आईडी कार्ड है उस नंबर से उसके जो ट्रैक्टर के हवाले से उस पर अप्लाई कर सकते हैं और वो गवर्नमेंट की सब्सिडी से वो फ़ायदा उठा सकता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो आसान लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।